अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। साल में एक महीना आता है रमजान का, अल्लाह की इबादत का, अल्लाह को राजी करना है। आप और हम मिलकर इंशाल्लाह तमाम ये रमजान के पूरे रोजे रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 टाइम नमाजों की पाबंदी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तरावियां पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप और हम मिलकर एक रोजा भी नहीं छोड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वादा करते हैं। और अल्लाह से जो भी अपने गुनाह हुए उसकी तौबा करेंगे इंशाल्लाह आप और हम मिलकर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे माँ दाखिल औरतें जो है इंशाल्लाह ये रमजान के तमाम रोजे रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह को राजी करेंगे। और एक चीज, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, रमजान में कई लोग चंदे का धंधा करते हैं, चंदा चोर जो कई लोग रमजान में निकलते हैं चंदे का धंधा करने के लिए। तो मैं तमाम मेरे माँ और बहने और मेरे भाइया जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे हैदराबाद शहर के, हिंदुस्तान के और इंडिया के बाहर के लोग भी, इंग्लिश कंट्री के लोग, गल्फ कंट्री के लोग इतने दिलवाले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। NRIs जो अल्लाह की राह में जकात निकालते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो मैं तमाम मेरे माँ और बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंक्वायरी करके, मालूमात करके आपकी जकात का पैसा दीजिए, क्योंकि चंदे का धंधा जोरों पर है। पहले तो मैं कहना चाहता हूं, इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, इंग्लिश कंट्री में रहने वाले लोग और गल्फ कंट्री में रहने वाले लोग, मेरे माँ और बहने और मेरे भाइया, आपके खून पसीने की मेहनत का पैसा है। अगर आप लोग इंडिया में, हैदराबाद शहर में अगर आपकी जकात दे रहे या अल्लाह के राह में कुछ भी अमानत दे रहे, तो सबसे पहले आपके खानदान में देखिए, आपके रिश्तेदारों में देखिए कि कौन गरीब है, पहले उनकी मदद करिए, उसके बाद आपके पड़ोसियों की मदद करिए, उसके बाद आप दूसरों को देखिए। और एक चीज, मैं खुसूसन इंडिया के बाहर के लोग, जैसे कि इंग्लिश कंट्री है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा, शिकागो, उन तमाम मेरे माँ और बहनों से कहना चाह रहा हूं और उन तमाम भाइयों से कहना चाह रहा हूं, जो ये डायरेक्ट अकाउंट डाल रहे ना, डायरेक्ट अकाउंट, जो बीमार है बोल के डाल दे रहे अकाउंट नंबर, जो कैंसर पेशेंट है बोल के अकाउंट नंबर डाल दे रहे, डायरेक्ट अकाउंट नंबर में पैसे डालो, हो रही आप इंक्वायरी करिए, आपकी मेहनत का, खून पसीने का पैसा है, ऐसा ना हो कि आपका पैसा गलत जगह जाए और अल्लाह की पकड़ में आप लोग आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग को मदद मत दो, इंक्वायरी करो, अगर कोई बीमार है तो उसकी जरूरत पूरी करो। अगर वो कह रहा है, अगर वो औरत भी अगर रो रो के कह रही कि दवाखाने में मेरी बच्ची का इलाज कराना है, मेरा शौहर बीमार है, अगर बोल रही वो औरत, तो डायरेक्ट दवाखाने को जाके आप लोग बिल बनिए। और गल्फ कंट्री के रहने वाले भी मेरे माँ और बहने, मेरे भाइया जो भी गल्फ कंट्री में रहते हैं, उन तमाम लोगों को कह रहा हूं कि इंक्वायरी करो। हैदराबाद शहर में आपके रिश्तेदार रहेंगे ना, हैदराबाद शहर में आपका एक तो रिश्तेदार होगा, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, साले या दोस्ता, वो लोग से इंक्वायरी करिए, क्योंकि रमजान में कई औरतें कई बच्चों को लेके रो रो के हमको राशन की जरूरत है बोलते अकाउंट नंबर डाल देते और आप लोग पूरे मिल गए। इंग्लिश कंट्री के लोग और गल्फ कंट्री के लोग, मेरे माँ और बहने भाया, बगैर इंक्वायरी करके उसके अकाउंट में पैसे डाल देते। कभी सोचे आप लोग, जिसके भी अकाउंट में पैसे डाल रहे आज तक, जितने भी अकाउंट जो हैदराबाद में चंदा का धंधा करने वाले लोग है, चंदा चोरा, डायरेक्ट अकाउंट नंबर डालते, वो अकाउंट नंबर का स्टेटमेंट बताए आपको। मैं इंडिया के बाहर रहने वाले इंग्लिश कंट्री के मेरे माँ और बहनों से, मेरे भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ और गल्फ कंट्री के मेरे माँ और बहने और भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपकी अमानत अल्लाह की राह में जो देते आप, जो डायरेक्ट अकाउंट में भेजते पैसे, उसका स्टेटमेंट जो चंदा चोरा है, जो चंदे का धंधा करते, वो लोग कभी बताए आपको स्टेटमेंट? नहीं बताए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करिए। जैसे कि अभी रमजान में कई बेवा औरतें हैं, कई मुस्तहिक औरतें हैं, कई मजबूर औरतें हैं, बेवा औरतें जिसका कोई सहारा नहीं रहता, जो औलाद अपनी मां को छोड़ देती, शौहर का इंतकाल हो जाता, मासूम बच्चे रहते छोटे छोटे, वो लोग को राशन की जरूरत रहती। तो वैसे लोगों को आप NRIs अपने इंडिया में, हैदराबाद शहर में आपके रिश्तेदारों को कहकर, आपके भाई को, बहन को या माँ को कहकर
इंक्वायरी करके राशन भेजाइए, वो लोग के अकाउंट में पैसे मत डाल लीजिए, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे मत डाल लीजिए, डायरेक्ट राशन भेजाइए, खजूर भेजाइए जो रमजान में रोजा खोलते हैं, सहरी का इंतजाम करिए, इफ्तार का इंतजाम करिए। जो अभी बीमार है या यतीम बच्ची की शादी में फर्नीचर देना है तो उसको फर्नीचर दे लो, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे मत डालो, आपके दोस्त को या भाई को बोलकर डायरेक्ट फर्नीचर दे लो, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करो आप लोग। मैं इंग्लिश कंट्री में रहने वाले मेरे माँ और बहनों से कहना चाह रहा हूं, मेरे भाइयों से कहना चाह रहा हूं, आप लगा बहुत मोहब्बत ही है, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोगों का मेहनत का पैसा है, खून पसीने का पैसा है आप लोगों के मेहनत का, तो आपका पैसा सही हकदार के पास जाना, सही मुस्तैक मजबूर के पास जाना, ये चंदा चोरों के पास आपका पैसा नहीं जाना। और गल्फ कंट्री में रहने वाले जैसे कि यूएई, दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत, ओमान, ये तमाम देशों से, अरब देशों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका भाई सैम रहमुद्दीन खादरी, आप लोग डायरेक्ट अकाउंट में पैसा मत डाल लीजिए, आपके खून पसीने की मेहनत का पैसा है, इंक्वायरी करके जरूरतमंद की जरूरत पूरी करिए। जैसे कि अगर कोई बोल रहा आप लोगों को कारोबार लगा कर देना है, मेरे को कारोबार के लिए पैसा दो बोल के अगर बोलते हैं, उसको पैसा मत दो, डायरेक्ट कारोबार लगा कर दो। आप इतनी मेहनत इंडिया के बाहर जाके कर रही, इंग्लिश कंट्री में, गल्फ कंट्री में, और थोड़ी मेहनत करो, इंक्वायरी करो, मालूमत करके डायरेक्ट जरूरतमंद की जरूरत पूरी करो। अगर कोई कारोबार का वीडियो आया आपके पास तो उसको कारोबार लगा कर दियो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इतना खुश होगा, आप लोगों से इतना खुश होगा। अगर कोई यतीम बच्ची की शादी में फर्नीचर देना है तो फर्नीचर दे लो, अगर किसी को राशन होने का है तो डायरेक्ट राशन दे लो, अगर कोई बीमार को अगर बीमारी के लिए दवाखाने में पैसे बनना है तो डायरेक्ट दवाखाने में पैसे बनो, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा मत डालो। चंदे का धंधा चल रहा, कमीशन पे 40% 50% कमीशन पे ये काम कर रहे हैं, आप लोग भी वो गुनाह का हिस्सा मत बनिए। अगर मैं से जो भी गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूं, मैं आपका भाई एसएम रहमुद्दीन खादरी, क्योंकि चंदा चोरों का पर्दाफाश करना जरूरी है। और एक चीज, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करिए, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले जो जकात निकालते हैं, अगर कोई औरतों को राशन होना तो डायरेक्ट राशन दिलाइए, पैसे मत दीजिए। अगर कोई बेरोजगार है तो उसको कारोबार लगा के दियो, अल्लाह भी खुश होता, थोड़ी मेहनत करो कारोबार लगा कर दियो, उसको पैसे मत दियो, उसकी आदत खराब मत करो। अगर कोई बीमार है, कैंसर पेशेंट है, या कोई मासूम बच्ची है या बच्चा है, जरूर मदद करो, लेकिन डायरेक्ट दवाखाने में बिल बनो, ये लोग के हाथ को मत दो, क्योंकि असल हकदार आपकी जकात का, असल मजबूर मुस्तहिक जो आज आखिरी परेशान है, जो बेवा औरत है, ज़ईफ हो गई, उसके बेटे उसको छोड़ दिए, उसका शौहर मर गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है, और अपनी जवान बहन जो बेवा हो गई, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उसके घर में राशन की जरूरत है, उसको अपने माँ बाप भी नहीं रख लिए घर में, ससुराल वाले भी नहीं रख लिए, एक कमरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, वैसे औरतें अपनी बहनें जो बेवा हो गई कम उम्र में, वैसे घरों पे आप अपना राशन, अपनी जकात पहुंचाओ, अल्लाह ताला आपकी जकात से खुश होंगे, आपकी जकात कामयाब होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चाहो तो। तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, तमाम मेरे अल्लाह की राह में खर्च करने वाले भाइयों से, मेरी माँ दाखिल औरतों से, मेरे बहनों से जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो जकात देते हैं, सही हकदार को दीजिए, सही मुस्तहिक मजबूर को दीजिए, आपकी जकात अल्लाह ताला कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा काम करिए आप लोग, चंदा चोरों से बचिए। मैं आपका भाई एसएम रहमुद्दीन खादरी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जजाकल्ला खैर। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजे और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई एसएम रहमुद्दीन खादरी, आज अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का पहला रोजा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज का रमजान का पहला रोजा कंप्लीट हुआ। आज तलबपेटा भवानी नगर पे हमारे दोस्त के पास बचपन के, आज मैं रोजा खोल रहा हूँ, आपका भाई एसएम रहमुद्दीन खादरी, जो चार मीनार के पास जो मोगलपुरा है, उसके बाद जो तलबपेटा भवानी नगर है, सालम चौक पे मैं रोजा खोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
तमाम मेरे फॉलोअर्स को अल्लाह अच्छा रखे, हमारे दोस्त को अल्लाह अच्छा रखे। माशाल्लाह तलबकटा भोई नगर बहुत बहुपति है, तलबकटा भोई नगर में पैदा हुआ। माशाल्लाह तलबकटा भोई नगर के लोग जो है बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बती है, जो मेरा बचपन गुजरा। और मैं तमाम हमारे इंडिया के बाहर के लोग जो इंग्लिश कंट्री में रहते हैं, जो गल्फ कंट्री में रहते हैं, तमाम लोगों के लिए मैंने दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर वहां पर रोजा खोल रहे हैं, अपने माँ बाप भाई बहन की सबकी याद आती होगी आपको। इंशाल्लाह मैं आपके हक में दुआ कर रहा हूँ, और आप लोग भी मेरे हक में दुआ करिए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान।